दोस्तों मैं भी समर ज्योत सिंह और मेरे पास लोग सवाल अब लेकर आते हैं इमिग्रेशन के बारे में, और मैं सवालों का जवाब उनको देता हूँ जितना मेरे को पता है। स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, LMIA, स्पाउस, ह्यूमैनिटेरियन रेफ्यूजी वगैरह वगैरह। जो एक बहुत ही पसंदीदा सवाल लोगों का यह है कि अगर हमारा कोई इमिग्रेशन का काम नहीं होता है, बाहर से अगर एक्सप्रेस एंट्री नहीं लगती, LMIA वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कनाडा आ जाएं विजिटर वीजा लगा के, किसी तरीके से पहुंच जाएं, विजिटर वीजा या जो भी कोई तरीका है वैसे पहुंच जाए, और वहां आकर कोई चक्कर चल जाए, कोई नई सेटिंग हो जाए, कुछ हो जाए। तो उसके लिए मैं एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको एक केस के माध्यम से। एक मैं केस आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, और इन्होंने भी ऐसे किया था कि ये विजिटर वीजा था और आके ये जॉब कर रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे केस चला। तो इस केस के हवाले से मैं आपको समझाना चाहता था कि जो लोग विजिटर वीजा है या जो सोच रहे हैं, तो उसमें क्या रिस्क है क्या नहीं है। तो उस केस के तरीके से मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। आप स्क्रीन पे ध्यान दें, स्क्रीन पे आपको दो अलग अलग दिख रहे हैं। एक तो है इसको सिंह वर्सेस कैनेडा, ये केस है, और इसका ये लेफ्ट साइड को मैंने नोट्स बना रखे हैं और ये राइट साइड को ये सारा केस है। आप इसको गूगल पे डाल के भी पढ़ के आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो केस की जो राइट साइड में जो स्क्रीन चल रहा है, इसकी मैंने एक समरी बना रखी है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नोट्स, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि हुआ क्या है। तो चलिए शुरू यहाँ से करते हैं। December 25, 2017 को ये आए कैनेडा में एज ए TRV लेकर। मकसद क्या लिखा था कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, और ये इन्होंने लिखा था। लेकिन इन्होंने इसमें ये नहीं लिखा, इसमें इसमें और आगे इन्होंने एक्सटेंशन भी करी थी, तो इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा कि मेरे पास वेल्डिंग का एक्सपीरियंस है, वेल्डिंग की एजुकेशन है, जिससे कि ये शायद किसी को लगे कि भाई ये इन फ्यूचर के लिए जॉब के लिए इसका सूटेबिलिटी है, कभी जॉब अप्लाई करेगा वगैरह वगैरह, ये सब लिखा नहीं, जो आगे इन्होंने जो कोर्ट वालों ने बताया आगे। December 25, 2017 को आए, जाहिर है इनको 6 महीने का मिल गया होगा। तो May 26, मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता रहता हूँ, May 26, 2018 को इन्होंने एक्सटेंशन किया। उसमें भी ये पर्पस लिखा कि स्पेंड मोर टाइम, और इनका अभी आप देखेंगे November 30, 2018 तक इनका वीज़ा एक्सटेंड हो गया, 6 वीज़ा स्टेटस एक्सटेंड हो गया 6 महीने के लिए। इस दौरान हो सकता है कि ये जॉब ढूंढ रहे हों या काफी कुछ कोशिश कर रहे हों, लेकिन 15 अक्टूबर को इनको एक जॉब ऑफर होगी एज अ वेल्डर। टोरंटो के एरिया में कहीं पर इनको वेल्डर जॉब ऑफर होगी। उन्होंने कहा कि भाई जॉब जॉब करना है तो कर सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है वगैरह जो भी कुछ है। इनको पता था कि भाई इनको LMIA चाहिए है, और LMIA के बगैर ये विजिटर स्टेटस में कन्वर्ट होना उसके बिना नहीं होगा, वर्क परमिट तब मिलेगा। तो 15 अक्टूबर को ये जॉब मिली है 2018 को, और फरवरी 2019 को, दैट मीन्स के नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने बाद दोबारा से विजिटर वीज़ा एक्सटेंड कर दिया इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हेल्प से, क्योंकि LMIA के लिए टाइम चाहिए होगा। तो किसी ने कहा होगा कि आप यहाँ पर रुक जाएं और विजिटर वीज़ा दोबारा एक्सटेंड कर लें। पर्पस फिर लिखा है, क्या पर्पस है हमारा, कि हमें यहाँ पर अपनी फैमिली साथ टाइम स्पेंड करना। इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा कि मेरे को जॉब मिल गई है, LMIA अप्लाई करनी है, या LMIA अप्लाई हो चुकी है, कुछ नहीं लिखा। LMIA में 3-4 महीने लग जाते हैं। तो ये फरवरी में एक्सटेंड किया था सेकंड विजिटर वीज़ा, लेकिन मार्च में, अभी मेरे को ये नहीं पता कि मार्च में LMIA अप्रूव हुआ है, 12 तारीख को हुआ है मार्च, या अप्रैल में हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयर ने इनको अप्रैल में बताया है कि आपका LMIA अप्रूव हो चुका है। तो हो सकता है कि मार्च में अप्लाई किया होगा या कोई ना कोई स्टेज चल रही होगी। लेकिन इस दौरान मार्च 25 को भी जो विजिटर वीजा जो सेकंड वाला था वो भी एक्सटेंड होके आ गया August 6, 2019 तक। दैट मीन्स कि अब इनको पता लग गया कि भाई ठीक है, ये भी हमारा एक्सटेंशन हो गया है, और दूसरी तरफ से LMIA भी अप्रूव हो गया है। तो August 6, 2019 से पहले पहले हम अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। तो वर्क परमिट लेने के लिए ये मई 2, 2019 को ये पोर्ट ऑफ एंट्री चले गए, जिसको कहते हैं हम फ्लैग पोलिंग करने। आप बॉर्डर पे जाएं, बॉर्डर पे जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि ठीक है हमारे पास ये है LMIA, हमारा ये स्टेटस है, आप हमें वर्क परमिट देते। लेकिन वहां पर जो इमिग्रेशन इंस्पेक्टर बैठे थे, जो CBSA वाले हैं, उन्होंने इनसे
तहकीकात करी, काफ़ी कुछ सवाल पूछे कि आप कैसे आए, क्या करने आए, आपने कब LMIA लिया वगैरह वगैरह, उनको ये सारा जो सीक्वेंस है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे सारा नज़र आ गया और उनको पता लग गया कि जो इनका मकसद था, लिखा तो था कि फैमिली विजिट, लेकिन मकसद इनका असली ये जो बाकी बाद में कहते हैं सेकेंडरी, लेकिन असली मकसद इनका था जॉब सर्च और जॉब लेना। और जो अहम बात थी वो थी कि सेकेंड जो विजिटर एक्सटेंशन एप्लीकेशन थी उसके अंदर इन्होंने ये छुपा लिया कि हमें जॉब मिली है या LMIA हमारे लिए एम्प्लॉयर ने कराई, ये छुपा गए। इस छुपाने के बेस पे CBSA ने इनको कह दिया कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करा है और आपको कंट्री छोड़ना पड़ेगा, आपको मतलब वो चार्ज कर देते हैं सेक्शन 44 लेकर आपको इनएडमिसिबल करा देते हैं। तो जाहिर है कि ये वापस आए और ये मई 2019 को बात हो रही थी और इन्होंने फिर कंसल्टेंट ने लॉयर ने बताया हुआ कि इसको हम चैलेंज करेंगे, इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में गए। इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड की जो हियरिंग हुई है दिसंबर 2019 में हुई है, देख रहे हैं ना स्क्रीन पे आप, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया। और उस हियरिंग में भी इन्होंने क्लेम किया कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी LMIA के बारे में जो हमने एक्सटेंशन किया था, और लेकिन जो मेंबर होते हैं जो इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड के मेंबर होते हैं उनके पास वो जजमेंट करने की पावर होती है, वो उन्होंने कहा कि नहीं उनका जो मिस रिप्रेजेंटेशन का जो जो चार्ज है आपके अगेंस्ट वो सही है, हम भी आपको मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत आपको मतलब चार्ज करते हैं, वो चार्ज बरकरार रहेगा एंड देन यू आर बीइंग इश्यूड एक्सक्लूशन ऑर्डर कि आप 5 साल के लिए आप कनाडा नहीं आ सकते। ये देखिए तो कहाँ से विजिटर वीज़ा से बात शुरू हुई, एक्सटेंशन हुआ, जॉब भी चक्कर चल गया, LMIA भी हो गया, उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री पे ये हुआ और उसके बाद आते आते अब ये एक्सक्लूशन ऑर्डर पे खड़े हैं कि डैट मीन्स कंट्री छोड़ना पड़ेगा और 5 साल तक आ नहीं पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने इमीजिएटली विद इन 30 डेज इन्होंने जुडिशियल रिव्यू फाइल कर दिया होगा, और जुडिशियल रिव्यू की जो डेट आई है वो देखिए कितनी देर बाद आई है, दिसंबर में हुआ था ये और जुडिशियल रिव्यू की डेट आई है 18 महीने बाद। तो 2020 में कोविड का चक्कर चल गया था शायद, तो कोविड करके शायद डेट नहीं मिली होगी। एनीवे जब डेट आई है अगस्त 31 को जुडिशियल रिव्यू हियरिंग हुई है, तो उसमें जज ने क्या कहा, और दो पार्टी होती हैं, एक तो आप अपनी बात कहते हैं, फिर आपके जो आप है आपके वकील है, और दूसरी तरफ उनका जो सरकारी वकील है वो, और तीसरा जो जज ने डिसाइड करना होता है कि भी हम क्या करें। तो इसमें मैंने कुछ नंबर दे रखे हैं और नंबर के बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रीन पे ये जो जजमेंट है ऑन राइट हैंड साइड जो फेडरल कोर्ट है, ये उस जजमेंट जो जज जो हियरिंग है उसका वो सिनॉप्सिस है सारा, इसमें आप देख सकते हैं। सो लेट्स जंप टू पैराग्राफ नंबर 27 इसमें मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने अपने जो मैंने लाल में लिख रखा है और मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये देखिए तो अब यहाँ पर पॉइंट नंबर वन है, ये जुडिशियल रिव्यू चल रही है फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा पे, हो रही बातें कि एप्लीकेंट ने कहा है कि मेरा पर्पस क्या था कनाडा आने का, मेरा पर्पस था कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जॉब सर्च वॉज अ सेकेंडरी पर प्राइमरी वॉज टू फैमिली। और इसमें ये पैराग्राफ नंबर 27 में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसने लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट क्लेम्स दैट ही एक्यूरेटली इंडिकेटेड ऑन हिज विजिटर वीजा एक्सटेंशन एप्लीकेशन दैट द इंटेंडेड पर्पस वाज टू स्पेंड मोर टाइम, द एप्लीकेंट देन एड्स हिज मेन पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग हिज वीजा और हिज विजिट वाज टू रिमेन विद हिज फैमिली बट सेकेंडरी लेस कंपेलिंग पर्पस। हाँ, एक प्राइमरी पर्पस था, एक दूसरा पर्पस भी छोटा पर्पस बट लेस कंपेलिंग पर्पस था कि भाई जॉब अगर कोई मिल जाती है तो हम उसको लेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे उन्होंने कहा। तो ये तो उन्होंने कहा, तो जज ने क्या कहा इसके बारे में, 29 नंबर पे लिखा है, जज ने लिखा है कि आई डिसएग्री, जज ने कहा आई डिसएग्री। और मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं मैंने कहा कि रॉन्ग एंड प्रिजम्पशियस कि जो एप्लीकेंट ने कहा है कि इसमें एक बात और उन्होंने यहाँ करिए, मैंने यहाँ लिखी नहीं है इस नोट्स में, इसने कहा कि एप्लीकेंट ने कहा है कि सारी बातें बताना रेलिवेंट नहीं है, मतलब जॉब सर्च और LMIA के बारे में बताना ये है कि ये रेलिवेंट नहीं है, जो एक पार्लियामेंट ने जो इमिग्रेशन के कानून बनाए हैं जो फॉर्म बनाए हैं उसमें सिर्फ एक प्राइमरी पर्पस या मोस्ट कंपेलिंग पर्पस लिखने का वो प्रावधान है, बाकी नहीं। तो जज ने कहा नो सॉरी आई डिसएग्री,
और मैंने लिखा है लाल में रॉन्ग एंड प्रिजम्पशंस के, ये एप्लीकेंट ने ज्यादा सोच के अपनी तरफ से कि प्राइमरी पर्पज क्या है, सेकेंडरी पर्पज क्या है। असलियत में ये है कि आपको सारे पर्पज बताने चाहिए और हैं, ये नहीं कि आपने एक पर्पज अपनी मर्जी से छोड़ दिया, छुपा लिया, दूसरा पर्पज बता दिया। ऑलराइट, सो ये नंबर टू पे भी मैं ये इसी बात कर रहा हूँ, 29 पे कि आप A40 विच इज एक्ट 40 ऑफ एयरपोर्ट डज नॉट कंपेल एप्लीकेंट्स टू डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन, प्राइमरी और मोस्ट कंपेलिंग नहीं है वो। इट इज नॉट, जज ने कहा है कि इट इज नॉट फॉर द एप्लीकेंट टू डिसाइड, एप्लीकेंट डिसाइड नहीं कर सकता। ऑलराइट, ये देखिए तीसरे पे आ गए यहाँ पर, फिर इसने यहाँ पर बोला कि एप्लीकेंट बोलता है ऑनेस्टली, ये देखिए एप्लीकेंट बोलता है, अब सच्ची में बात ये है कि ऑनेस्टली फेल्ट कि हमें को जरूरत ही नहीं बताने की LMIA जॉब के बारे में, हमें तो कुछ पता ही नहीं था इस प्रोसेस के बारे में, ये तो जनाब इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, उन्होंने मेरे को कहा था और वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फिर ये पैराग्राफ नंबर 33, अब देख रहे हैं इसमें जज ने क्या कहा इसके बारे में। जज ने कहा यहाँ पर कि that's right, I think it's on 36 पे कहा, ये देखिए, while the applicant lays blame or representative, he was ultimately responsible. इसमें कोर्ट केस भी दे रखे हैं उन्होंने कि एप्लीकेंट चाहे ब्लेम कर दे इमिग्रेशन कंसल्टेंट पे कि मेरे को इंग्लिश नहीं पता, मेरे को लॉ नहीं पता, मेरे को फॉर्म नहीं पता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जॉब मिल गई है लेकिन बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने साइन करा तो ये आपके सिर पे है। तो इन्होंने इसको ऐसे कहा। फिर जज ने ये भी कहा है कि अगर आपने विजिटर वीजा बताया होता, विजिटर वीजा एक्सटेंशन पे जॉब के बारे में बताया होता, तो शायद आपको विजिटर वीजा एक्सटेंड ही ना होता शायद, क्योंकि फिर इमिग्रेशन डिसाइड करती कि आपको आगे एक्सटेंड करना भी है कि नहीं है। तो आपने अगर दिस मे हैव कॉस्ट एरर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IRPA जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है। सो बाकी आखिर में जज ने कहा है कि भाई आप विजिटर वीजा पे तो आए हैं, विजिटर वीजा के आने के बाद आपको जॉब मिलती है या कुछ और करते हो, कुछ और पर्पस होता है, वो सब अलाउड है बाय लॉ, लेकिन इमिग्रेशन से छुपाना अलाउड नहीं है। आप अगर साफ साफ बता देते तो इमिग्रेशन अकॉर्डिंगली जो डिसीजन लेती लेती, लेकिन जो आपने छुपाया है ये अलाउड नहीं है, इस करके आपका जो जो चार्ज है वो वैसे ही रहेगा, मिसरिप्रेजेंटेशन रहेगा और आपको ये कंट्री छोड़ना पड़ेगा और फॉर नेक्स्ट 5 years you are यू नो हियर इज एंड ऑफ इमिग्रेशन फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 5 years। तो और ये आखिर में यहाँ पर उन्होंने कहा है however he had a duty to disclose the change of purpose when applying for extension, he did not do so, और सारा उसने और भी सारे मिसरिप्रेजेंटेशन है इसमें। वो जो मिनिस्टर्स काउंसिल ने कहा होगा कि देखो एडिशनल, देखो नंबर 42 में पढ़ रहे हैं, there were additional instances of misrep in the case such as the applicant failure to disclose his welding education, इन्होंने अपनी welding education भी नहीं बताई थी और इन्होंने अपना जो welding का experience था अपनी visa application में नहीं बताई थी, पता नहीं शायद original वाले पे छुपाई थी शायद, और ये भी possible misrepresentation है, लेकिन they are not part of the assessment right now, but ये एक चीज़ें हैं जो उन्होंने note करी कि आपने ये सब बातें भी छुपाई थी। और conclusion क्या है 43 पे लिखा हुआ है, 43 or 44, the application for judicial review is accordingly dismissed, or definitely that's the end of the matter. और नीचे इन्होंने अपने जो वकील हैं इनका, आप ये आप यहाँ से इसको सर्च करके गूगल पे देख के आप पढ़ सकते हैं पूरा। गुरदयाल सिंह वर्सेस मिनिस्टर ऑफ सिटीजनशिप इमिग्रेशन, हियरिंग डेट है August 31st, जज का नाम लिखा हुआ है, वकीलों के भी नाम लिखे हुए हैं और मिनिस्टर्स काउंसिल के भी नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इसको हैंडल किया है। तो ये वो केस है। इसमें हम लोग ने सीखा क्या है, ये जो हम लोग शुरू किया था, ये जो डिस्कशन शुरू किया था कि भाई हम कोई भी विजिटर वीज़ा लेकर आते हैं यहाँ पर और विजिटर वीज़ा के बाद यहाँ पर कोई सेटिंग कर लेते हैं, कोई जॉब खरीद लेते हैं या जॉब कर लेते हैं या जॉब मिल जाती है, उसके बाद फिर हम यहीं पर रह कर कन्वर्ट कर लेते हैं। माई एडवाइस अकॉर्डिंग टू द लॉ इज दिस, ये आप गलत करते हैं। कुछ के केस हो जाते हैं जो छुपा जाते हैं कि वो निकल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, डेट्स ओके, डेट इज यूनिक केसेस, पर सही तरीका क्या है? अगर आपको जॉब मिली थी तो आप जॉब को लेने के बाद इंडिया चले जाते वापस, वहां से दोबारा से आप वर्क वीजा कर सकते थे, आपने लालच कर लिया कि यहीं पर करेंगे, डेट इज वन आई थिंक इज अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक।
पर लोग कहते हैं पता नहीं वहां से वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, यहीं पर कर लेते हैं, यू नो दैट्स व्हाट दे थिंक। दूसरा एक और आपने ये गलती कर ली है कि आपने जब एक्सटेंशन किया विजिटर वीजा का तो उस वक्त आप छुपा गए। अगर उसमें ही साफ लिख देते कि भाई मेरी LMI एप्लीकेशन चल रही है या चलेगी और मेरे को वेट करना है, तो इमिग्रेशन वुड हैव डिसाइडेड। आई एम नॉट सेइंग कि दे वुड हैव गिवन यू एक्सटेंशन, अगर नहीं देते नहीं देते कोई बात नहीं, आप चले आते वापस। लेकिन आप जान के छुपा गए, अपने आप को स्मार्ट समझ के कि भाई हम छुपा लेते हैं, तो CBSA की पहनी निगाह से तो आप बच नहीं पाए ना, तो क्योंकि वो तो सब इंटरव्यू करते हैं। कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी हम जल्दी से वर्क परमिट बॉर्डर पे ले आए और वहां से जल्दी से मिल जाएगा, ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, तो इसमें खतरा भी है। जब आप उनके सामने जाते हो तो वो आपको पूरी ऊपर से नीचे एक्सरे कर लेते हैं कि भाई अंदर बाहर क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो पता लग जाता है उन्हें। तो ये वो भी एक आपने गलती करी कि वहां चले गए, नहीं तो आप वैसे ही एक्सटेंड वहां से ही आप इसको एक और एक्सटेंड करके आप वहां से इमिग्रेशन से ऑनलाइन अप्लाई करके वहां से मंगवा लेते। इट मे हैव टेकन सम टाइम बट एटलीस्ट थोड़ी सी आपकी जो 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 परतें हैं जैसे प्याज की परतें हैं वो ढकी रहती थोड़ी सी। तो अल्टीमेटली ये सब आइडिया है कि भाई हम कनाडा जाके विजिटर वीजा लेने के बाद वहां पर सेटिंग कर देंगे, ये आइडिया ही मतलब इट्स नॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग आइडिया, मेरे को ये पसंद नहीं है। अगर यही जॉब मिलने के बाद अगर आप सीधे जाके वहीं पर अपनी कंट्री से अप्लाई कर लेते तो क्या क्या आपका बिगड़ जाता, थोड़ा सा टाइम लग जाता, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाता, दैट्स ऑल इट इज। बट सो एनीवे ये मेरे ये केस अच्छा मेरे को भेजा किसी ने, मैं फेडरल कोर्ट वेबसाइट पे देखा इसका, और ये रिसेंट केस है, ज़्यादा पुराना नहीं है। दिस वॉज ऑन रजिस्ट्री आई थिंक लास्ट मंथ September 16th। तो इस केस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि भाई जो सेटिंग का वाली जुगाड़ है, सेटिंग में खतरा ही खतरा है और देयर इज नो गारंटी कि आपका सक्सेस हो जाएगी। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से। हे थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई होप यू लाइक माय केस। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई कमेंट्स हैं कोई इस बारे में है तो आप जरूर, मैं अपनी फोटो तो बड़े में फोटो छोड़ी ओके, मैं आप जरूर इस बारे में कोई कमेंट्स लिखें, और आपका कोई केस अगर कोई पेंडिंग है ऐसा कोई फंसा हुआ है तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी एन ईमेल। आई ऑलवेज डू रिसर्च ऑन केसेस एंड गिव यू द बेस्ट ऑफ एडवाइस। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड टेक केयर।